लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, तो दूसरी तरफ आज सुबह ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की है, जिसे बीएसएफ ने नाकाम कर दिया है। आतंकवादी भारत में घुसने की फिराक में थे लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। बीएसएफ की ये बड़ी कामयाबी है। बीएसएफ सीधे अश्विनी कुमार हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। अश्विनी, क्या खबर है, क्या मार गिराया है, पकड़े गए हैं, कैसे नाकाम किया है घुसपैठ को बीएसएफ ने? जी सैयद, आज सुबह करीबन 5:30 बजे इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि सांबा सेक्टर में है, पाकिस्तान की से एक जो है टेररिस्ट जो है इंडियन साइड आने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही बीएसएफ के अलर्ट सर्जियों ने देखा तो उनके ऊपर फायर कर दिया और जो टेररिस्ट जो था वो एकदम वहां से भाग निकला, और क्योंकि एम्बुश लगा हुआ था और बुशिंग काफी थी, उसका जो सारा लेकर वो निकल गया। अभी वहां पर पूरे इलाके में तलाशी की गई है, ना तो आतंकवादी मारा गया मगर वहां से भाग गया। जी बहुत धन्यवाद अश्विनी, हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार जानकारी दे रहे थे। बीएसएफ ने घुसपैठ को नाकाम किया है। और अब बात सेल्फी पर बवाल की। महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास और जल संरक्षण मंत्री पंकजा मुंडे लातूर के हालात का जायजा लेने पहुंची थी। वहां सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए एक जगह उन्होंने सेल्फी ली, मुस्कुरा